जम्मू कश्मीर में चीन की मदद से 370 की वापसी का सपना संजोए फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा झटका दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पैसों में गड़बड़ी के मामले में ये पूछताछ हुई। इससे पहले भी ईडी फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में सवाल जवाब कर चुकी है। ये पूछताछ श्रीनगर में हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित 113 करोड़ रुपए की धांधली का मामला काफी पुराना है। पहले ये जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, जिसके बाद अदालत ने इसे सीबीआई के हवाले सौंपा था। बाद में इस पूरे केस में ईडी की एंट्री हुई थी, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया था। हालांकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के घर पर कोई रेड नहीं की है। उमर ने ट्वीट कर लिखा है कि पार्टी की ओर से ईडी के समन का जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ गुपकार समझौता पर जो पार्टियां एकजुट हुई है उसका बदला लिया जा रहा है। इससे पहले भी ईडी ने पिछले साल इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से सवाल जवाब किए थे। सीबीआई के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए पैसों का गबन हुआ था। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई थी। बीसीसीआई ने 2002 से 2012 के बीच जेकेसीए को राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए 113 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इस फंड को पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया। आरोप है कि इसमें 43.69 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया गया और इस पैसे को खिलाड़ियों पर भी खर्च नहीं किया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल किया था। अब ईडी बैंक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनसे सवाल कर रही है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला जब से हाउस अरेस्ट से रिहा हुए हैं, तभी से सुर्खियों में हैं। बीते दिनों उनकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी, जिसमें अनुच्छेद 370 के मसले पर रणनीति भी बनाई गई थी। विपक्षी पार्टियों ने गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर किए और गठबंधन बनाया, जो कि अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग करेगा। अब फारूक अब्दुल्ला 370 की वापसी के मंसूबे में कितना सफल होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अब उन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित 113 करोड़ रुपए की धांधली का जरूर जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।